ये भैया है जिनका माल है, क्या नाम है भैया आपका? शेख नदीम नूर फ्रूट कंपनी, हाँ महाराष्ट्र रावेर, है ना? रावेर। अपना नंबर बता दो भैया एक बार। 9518 30। रास्ता देख रहे हैं ना आप गाइस, कैसे रास्ते में जाना पड़ता है, देखो बिल्कुल साथ लगते जा रही पूरी झाड़ियाँ, ये देखो जरा, इधर से तो पिकअप भी नहीं निकलेगी। मान लो दूसरी जगह तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये रोड देख रहो यार, और मैं इनको मना कर रहा हूँ इसमें नहीं गाड़ी जाएगी, ऐसी तैसी फेर दी है यार। इधर सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस। अभी हो रही है सुबह, सुबह का टाइम हो रहा है, इस टाइम ऑलमोस्ट 5:30 से 6 बजने वाले हैं। और जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में, भी डायमंड ट्रांसपोर्ट पे आके खड़े हो गए थे, अभी जस्ट आया अंदर से डिमांड सुन के। अभी भाई ने पता नहीं बोला तो है अभी कांटा करा लो, अब देखो कहाँ की लोडिंग है, अभी तक कोई भी पता नहीं है मेरे को, अभी बोला है कांटा कराने के लिए। तो अभी सबसे पहले गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से कांटा करने के लिए। कुलदीप भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर ली भी है। आ देखो ग्राउंड बिल्कुल खाली खाली सा हो गया भाई, चेक करो। और ये रही ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहले तो इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको इस चैनल पे ट्रक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई और पूरे, जैसे कि हम हिमाचल से मान लो महाराष्ट्र गुजरात या उस लाइन को चलते हैं, तो मेरे ब्लॉग में आपको पूरा रास्ता देखने को मिलेगा, क्या पता उससे आपको कुछ हेल्प हो सके। तो और ये रही हमारी गाड़ी, जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे पास गाड़ी है टाटा अल्ट्रा 1918, 1 साल 1 महीना हो चुका है गाड़ी को और 85,000 गाड़ी चल गई हुई है मेरी। अरे बाबा, ये मेरी गाड़ी का कैबिन है ऐसा कुछ अंदर से। तो चलो दोस्तों, आप मुझे पता है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर सब्सक्राइब भाई कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, जो साइड में घंटा दिख रहा ना इसको दबा दो, समझ रहे हो आप, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊ ना सबसे पहले आपके पास आ जाए। और इसी के साथ नीचे देखो सब्सक्राइब वाला बटन होगा, इसको भी साले को ठोक दो ऐसे करके। तो चलो सबसे पहले जाके गाइस मैं कांटा करवाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ की लोडिंग है, कहाँ का भरना है, सारा कुछ बाद में बताऊंगा आपको, बने रहना वीडियो में लास्ट तक, बिना स्किप करके देखनी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों निकाल रहे हैं यहाँ से गाड़ी बाहर ट्रांसपोर्ट से, हमने गाड़ी भरने जाना है देखो लुधियाना के लिए। यहाँ से जाना है हमने रावेर वाली साइड, रावेर है यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। तो चलो गाइस फिर निकलते हैं रावेर वाली साइड के लिए, जाके आपको सीधा मिलता हूँ अब रावेर। आज काफी लेट हो गए जाने के लिए, क्योंकि 8 बज गए हुए अभी, देख लो 8 बजे जा रहे हैं लोडिंग में, क्योंकि ये डिमांड भी काफी लेट आई। आज दूसरा दिन है हमको यहाँ खड़े होके, क्योंकि 1-2 दिन हम खड़े रहे यहाँ पर, लोड ही नहीं कोई मिला। आज तीसरा दिन है, मतलब तीसरे दिन बाद लोड मिला। और ये चेक करो आप गाड़ियाँ कितनी है यहाँ खड़ी, काफी ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी है। इसीलिए जाना तो हमने भी हिमाचल था लोडिंग के लिए, लेकिन क्या करें हिमाचल का ऑर्डर ही नहीं आ रहा था 2-3 दिन से, तो इसीलिए हार के पंजाब के लुधियाना के लिए खड़ी लगवाई फिर। तो चलो गाइस जाके अपन मिलते हैं फिर रावेर वाली साइड जाके। पहुंच गए हमें दोस्तों रावेर, ये अपना चौक आ गया जहाँ से हम पाल वाले रास्ते के लिए लेफ्ट होते हैं, ये वो चौक सामने जहाँ एक गाड़ी जा रही है लेफ्ट हैंड साइड को, ये अपना पाल वाला रास्ता है। लेकिन हमको अभी शायद सीधा जाना है, वो बोल रहा है पाल्टी वाला, बोलते सीधे आओ आगे, आगे खड़ा हूँ कहीं, जाके देखते हैं किधर खड़ा है वो, चलते रहते हैं ज़रा सीधे सीधे।
अब पता नहीं कहाँ कहाँ होगा खड़ा भाई। चलो गाइज मिलते हैं बाद में ना, पहले भाई को मैं मिल जाता हूँ जाके पार्टी से मिल के, फिर देखते हैं बाद में मिलते हैं आपको। तो दोस्तों रावेर पार करके कोई 2 किलोमीटर आगे आके रुके हैं गांव के पास, तो यहीं आ रही है अपनी लेबर वगैरह भी, कांटा वगैरह करवा ली हमने यहाँ गाड़ी का। तो कांटा करने के बाद लेबर वगैरह चढ़ने वाली है गाड़ी के अंदर। बाकी अभी यहाँ से जाना है आगे खेत में लोडिंग करने, अभी नहीं पता यहाँ से और कितना आगे जाना है, 2 या 3 किलोमीटर जाना है लोडिंग करने। और एक ना गाइज यार अपना टायर, 2 टायर तो हो गए खराब, तीसरा भी यार ये चेक करो साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये तीसरा टायर भी, ये भी फूल गया, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ये चले तो चांद तक नहीं शाम तक, कोई भरोसा नहीं है इस टायर का भी। तो क्या बोला तूने? लोडिंग करने से पहले एक तो इन्होंने गाड़ी में टंकी डाल रखी है, ठीक है, इसमें क्या पानी डालते हैं। अब जैसा कि आपने प्रोसेस देखा ही होगा, जब गाड़ी लोड करते हैं तो उसको धो धो के इसके बीच डुबा के फिर गाड़ी में लोड करते हैं, और साथ में फोम लगती है, वो आगे फोम रखी हुई है। और ये बैठे हैं लेबर लोग सारे, अभी थोड़ी देर में चढ़ जाएंगे गाड़ी के अंदर है और फिर निकलते हैं यहाँ से खेत के लिए, मिलते गाइज आपको खेत में जाके। चलें भाई लोगों, फिर आराम से बैठना है ना, गिरना नहीं, ठीक है। चलो फोटो नहीं तुम्हारी, चले हीरो, तुम्हारा नाम क्या है? तस्लीम। तस्लीम हाँ। और तुम्हारा भाई? रियाज भाई। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं हम लोड करने? अब लोड करने जा रहे खिलोड़ रावेर। रावेर हाँ। चलो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से लोडिंग के लिए, अब जाके आपको सीधा मिलते हैं केले के खेत में, और आपको भी लोडिंग दिखाऊंगा कैसे होती है लोडिंग, है ना, दिखाएंगे ना भाई, और लोड दिखाएंगे लोडिंग कैसी होती है गाड़ी। अच्छा हमको सिखा रही है तस्लीम भाई, बनेगी गाड़ियाँ। सो चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। रास्ता देख रहे ना आप गाइस, कैसे रास्ते में जाना पड़ता है, देखो बिल्कुल साथ लगते जा रही पूरी झाड़ियां, ये देखो जरा इधर से तो पिकअप भी नहीं निकलेगी मान लो उसी हिसाब से रास्ता, देखो अब पूरी गाड़ी में इसमें झरीट आ जाएगी। हेलो तो क्या करें, लोड करने तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, दिल तो नहीं करता है दोस्तों यार ऐसे रोडों में आने के लिए, ऐसे रास्ते में गाड़ी ले जाने के लिए, बट क्या करें, मजबूरी क्या क्या नहीं करा देती इंसान से। अभी और पता नहीं कितना दूर है खेत, देख रहे अब दिन के 12 बज गए हुए हैं, सुबह के निकले हम 8 बजे के, अभी तक अभी खेत पे नहीं पहुंचे हैं, अभी भी लोडिंग मेरे एक बजे के बाद ही होगी चालू, क्योंकि अभी फॉर्म पत्ती लगेगी, 1 बज जाएगा आराम से। पहले तो जाके लंच वगैरह करेंगे, क्यों खाना खूना खाएंगे तब लगेंगे लोडिंग पे, नहीं कुलदीप भाई। चलो दोस्तों मिलते हैं जाके अब खेत पे ही, अब नज़दीक ही होगा खेत इधर कहीं। दूसरी जगह तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये रोड देख रहे हो यार, और मैं इनको मना कर रहा हूँ इसमें नई गाड़ी जाएगी, ऐसी तैसी फेर दी है यार इधर। तो दोस्तों देख लिया ना रास्ता, कैसे रास्ते में लेके आने पड़ती है गाड़ी, ये चेक करो जरा, इसमें तो अच्छे से पिकअप ना जाए, इतनी बड़ी गाड़ी लेके आनी पड़ती है, और इसमें ना पूरे में खरोंचे आ गई हुई है इन चीजों में, देख रहे आप, ये देखो ये सारी ऊपर तक, देखो शीशे में, इसमें, इसमें, और बॉडी में तो खैर है ही है, ये देखो नज़दीक से जाके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये चेक करो, इसमें आती है खरोंचे, टायर भी हो जाते हैं कई जगह से टच इधर देखो। चलो क्या ही कर सकते, और लगा दी भी यहाँ पर
यहाँ पर होगी लोड गाड़ी, अभी उतार रहे हैं सामान वगैरह। ये बगीचा है जिससे माल आएगा लोडिंग के लिए, तो मिलते हैं गाइज आपको फिर बाद में, दिखाता हूँ जब लोडिंग चालू होगी। हेलो सर, पंडा अंदर रख लो। ठंडा हो गया पूरा मौसम, ठंडा बिल्कुल एन। और गाड़ी में रीजनरेशन हो रही है, ऑटो रीजन ऑन किया है, देख रहे आप। सिर्फ यहाँ यहाँ देखो जरा कितना सुखा दिया इसने, इस टाइम सिलेंसर से पूरी आग निकल रही है गर्म, देखो ये एरिया सारा सुखा दिया सिलेंसर ने, बाकी सारा गीला है। एक बत्ता हुआ है अभी लोड, ये देखो, बाकी अभी पूरी गाड़ी खाली है। और शाम के टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं शाम के, और ये लेबर लोग बैठी हुई है। अभी दूसरी जगह जाना है हमने लोड करने, एक जगह से आगे है लोड करके, अब दूसरी जगह जाना है। और बाकी देखो अभी पानी वगैरह सब भरने को है वापस, वैसे के वैसे ही, ये चेक करो। अभी ये नहीं पता दूसरी जगह कहाँ जाना है लोड करना है, अभी यहीं से कांटा करके तब जाएंगे। बाकी चलो अब मिलते हैं सीधा जाके दूसरे खेत पर, तब तक मैं ऑटो रीजन को इसको देखता हूँ कब तक रहता है ऑन है, फिर अपने आप देते इसको बंद होने। आज काफ़ी टाइम बाद ऑटो रीजन ऑन हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, हुआ नहीं था ये, आज हुआ है। इधर को गाड़ी निकालू, समझ से बाहर है, लो इधर देख लो और इधर देख लो। अरे यार 2-3 बार शीशे तोड़ दिए, देखो यहाँ देख चेक करो, हेलो घूम गए ना अंदर को, ऐसे से ये भी टूट जाएगा, बहुत बड़ा शीशा भी हो गया अंदर। क्या यार, इस खेत से भी आगे है लोड करके वापस कांटे के ऊपर, कांटा करवा लिया है, लेकिन अभी भी लोड हुई नहीं गाड़ी, देख लो 2 जगह से आगे लोड करके, अभी लास्ट बत्ता फिर रहता है लोड करने के लिए। चलो फिर अब बोलते वहीं जाना है जहाँ से सुबह आए थे, वहीं जाना है अब, चलें फिर। आए नहीं हो, चलो आ जाओ फिर, चलो 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 चलो, टाइम देख लो कितना, 8:42 हो गया है, 8:42। मिलते हैं गाइस सीधे जाके अब आपको, जहाँ से हम पहले आए थे ना सुबह, उसी कांटे पे जाके मिलते हैं रात। तो फाइनली दोस्तों हो गए वे अपन गाड़ी लोड करके फ्री, और इस टाइम हो रहे हैं रात के 2 से 2:30, और अभी जाने का प्रोग्राम हो गया कैंसिल, अब जाएंगे सुबह। और गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पंप है, क्योंकि यहाँ सेफ है जगह, रस्सा तिरपाल मार के कर दी भी ओके। मैं गया था पानी भरने, पानी भर के आ गया, एक मिनट जरा साइड में लगाता हूँ, सब चारों तरफ से दिखा देता हूँ आपको, ये चेक करो। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी यहाँ पर ना, इस करके, और ये रही अपनी गाड़ी। और जिन्होंने ये माल भरा है भैया, उनसे भी मिला देता हूँ आपको, केले के व्यापारी है, कई भाई मेरे से बोलते रहते हैं भाई आप जो माल भरते हैं उसके बारे बताया करो, तो चलो आज आपको सीधे मिलवाता हूँ, मान लो जिन्होंने ये माल भरा है। अगर आप लोगों को किसी को भी मान लो केला लेना या कुछ भी है इसके प्रति, तो आप इनसे पूछ सकते हैं, मैं भाई का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, केले से रिलेटेड सारी बातें आपको ये बता देंगे। तो ये भैया है जिनका माल है, क्या नाम है भैया आपका? शेख नदीम नूर फ्रूट कंपनी, हाँ रावेर है ना, रावेर। अपना नंबर बता दो भैया एक बार, 9518304718। हाँ, अगर किसी को भी कोई पूछना रहेगा तो आपको फ़ोन कर सकता है ना, कॉल कीजिए। ऑल इंडिया माल बेचते हो?
ठीक है। तो गाइस ये है भाई नदीम भाई, अगर आपको कोई भी क्वायरी होगी तो भाई से संपर्क कर लेना आप। तो अभी हम भी जा रहे हैं सोने, कुलदीप भाई भेजा है हमने खाना लेने, क्योंकि आज लेट नाइट हो गई, काफ़ी पहले प्रोग्राम तो था जाने का, बट फिर एकदम से ही इन्होंने बोला सुबह जाना, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फिर अभी रेस्ट कर लेंगे रात को, तो इस करके अभी गया है खाना लेने। तो जैसे ही आता है कुलदीप भाई फिर खाना खा के सो जाएंगे। फिर पहुंच गया कुलदीप भाई भी, क्या लेके आए भाई? तो गाइज रात को अभी 2 बजे सिर्फ यही मिला, शुक्र है ये भी मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं से तो ठीक है ये। क्यों कुलदीप भाई? और ये रही रोटी आपके सामने। गए सुबह 8 बजे गए हैं बगीचे को, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अब जो भी है अभी खा रहे हैं। 2 बजे देख लो, सुबह के 8 बजे के गए थे। तो चलो करते हम अपना खाना शुरू, उसके बाद खाना खा के सो जाएंगे, फिर देखते हैं सुबह मिलेंगे, जैसा भी रहेगा आपको सुबह बता देंगे फिर। बाकी ये रहा हमारा खाना, ये सेव टमाटर है, तेल इसमें बहुत है यार। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब खाना खा के।